इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। अवैध कब्जा हटवाने गई राजस्व टीम पर हमला, राजस्व निरीक्षक समेत 3 लोग हुए घायल, जान बचाकर भागी राजस्व टीम। मामला सदर तहसील के निवादा गांव का है, जहां सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को क्षेत्रीय लेखपाल ने रुकवा दिया था, लेकिन लेखपाल के वापस आते ही कब्जेदार ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अतिक्रमण कर भवन निर्माण करा रहे भूमि की घाटा संख्या 853 है, जो कि अभिलेखों में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, जिसके शिकायत पर सदर एसडीएम ने उक्त मामले को लेकर नायब तहसीलदार को निर्देशित करते हुए राजस्व की टीम का गठन कर अवैध निर्माण को गिरवाया जाए। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह राजस्व टीम के साथ निवादा गाँव पहुँचे। निर्माण कार्य रुकवाते हुए निर्मित भवन को जेसीबी से गिरवाना शुरू किया, तभी निर्माण करा रहे व्यक्ति के परिजन भड़क गए और गांव वालों के साथ मिलकर राजस्व टीम पर पथराव शुरू कर दिया। ग्रामीणों को उग्र देख चौकी इंचार्ज कुसुम खोर को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज कुसुम खोर को देखकर हमलावर भागे। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह ने गुगरापुर ब्लॉक प्रमुख संदीप चतुर्वेदी, विवेक कुमार पुत्र धान सिंह, रोहित पुत्र बादाम सिंह, अनमोल पुत्र बादाम सिंह पुत्र इतवारी, विनीत कुमार उर्फ अमित ठाकुर पुत्र अनिल कुमार समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया है। इंडियन टीवी न्यूज से जिला ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सर, नवादा में गए थे आप, कार्रवाई को लेकर क्या है पूरा मामला? डाटा संख्या नवादा में 853 है, जो सरकारी भूमि है, उस पर बादाम सिंह उनके परिवारीजन निर्माण कर रहे थे अवैध रूप से। अवैध निर्माण के दौरान हमको सूचना मिली तो हम लोग उसको हटाने गए थे। उप जिलाधिकारी महोदय सदर के निर्देशन पर वहां पे हटाने के दौरान लगभग 50-60 लोगों ने पथराव किया, सरकारी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त कर दी, कुछ हमारे लेखपालों को चोटें भी आई हैं, जेसीबी के चालक जो वहाँ अवैध होना चाह रहा था उसको भी चोटें आई हैं। तदनुसार हम लोग आवश्यक कार्रवाई की तरफ। लगभग कितने लोग घायल हैं? लगभग 3 लोग घायल हुए हैं, हमारी सरकारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जिन्होंने हमला किया वो कौन लोग? बादामपंग ये उनके परिवारीजन थे तथा ब्लॉक नो गुगरापुर में वहां पे उपस्थित थे। उन्होंने लोगों को वहां पे भड़काया, जिसके कारण लगभग 50-60 लोग अज्ञात में नाम नहीं जानता उन्होंने हमला किया पत्थर डंडे और अन्य लाठी डंडे से, जिसके कारण कुछ लोगों को चोटें भी आई, हमारी गाड़ियां भी। अभी आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? कोतवाली सदर में मैंने FIR दर्ज कराने प्रार्थना पत्र दिया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।